के निमित्त जो हमारे दो प्रभारी हैं, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी और प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके आने के बाद आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और दुगुनी ताकत के साथ उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव में काम में लोग लगेंगे। और जिस तरह से चूंकि उनका जितना अनुभव है, पुराना अनुभव आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का लगातार मुख्यमंत्री का और संगठन के कार्य में काफी दक्ष हैं, तो निश्चित तौर पे उनका अनुभव का लाभ हम सब झारखंड वासियों को मिलेगा। और आने वाले समय में जो एक हमारा लक्ष्य है डबल इंजन सरकार की, तो निश्चित रूप से झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। देखिए आज जो झारखंड की स्थिति है, झारखंड के लोग इस चीज को भलीभांति देख रहे हैं। आज इस सरकार को, आज जो झारखंड में वर्तमान सरकार है, झारखंड राज्य को बहुत पीछे ले जाने का काम इन्होंने किया। जो वादा किया एक भी काम इनके द्वारा नहीं हुआ। और आज भ्रष्टाचार की बलि वेदी पे ये राज्य चल गया। भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की बात अगर हम करें, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि आज आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ग्राम गांव हैं जहां पर आज भी लोग चूहा से पानी पीने को मजबूर है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना की शुरुआत की थी कि हर परिवार को शुद्ध पेयजल नल से जल के माध्यम से देंगे। लेकिन ये भी इस राज्य का ये दुर्भाग्य रहा कि इस राज्य की सरकार ने उस इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो एक एक व्यक्ति के लिए था, व्यक्ति के हित के लिए था, स्वास्थ्य के लिए था, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा और ये भी भ्रष्टाचार की बलि पे चढ़ा। और आज ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज जो भी नल जल योजना है अगर हम देखें तो पूरे राज्य के अंदर कहीं भी योजना की शुरुआत हुई, इन्होंने फीता काटा, उद्घाटन किया, लेकिन शायद 10 दिन भी उस योजना से पानी नहीं मिला। कहीं कहीं पर हम देखें तो काम चल रहा है, चलते चलते कहीं पानी टंकी बैठ जा रहा है। और मैंने इस तरह से पूरे तरह से देखें तो इस योजना को लूटने का काम, इस योजना का जो भी पैसा है उसको बंदरबाट करने का काम इस सरकार का।